नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, सॉक्स में इसे आप कैप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सामने से ये ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है, और पीछे से ऐसा। बॉर्डर बनाने के बाद आप पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लीजिएगा। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो मैं इसी के ऊपर डिजाइन बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझे। जैसे मैंने यहाँ शुरू किया है वैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझे। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है, और सामने से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, लेकिन उन को सिलाई में दो बार उन लपेटते हुए, एक दो तीन चार पांच। तो पहले फंदे को हमने सीधा बुना और पांच फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर, और पांच फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, एक दो तीन चार पांच। उन दूसरी ओर देखिए, ये दूसरा डिजाइन कंप्लीट हुआ। उन दूसरी ओर यहां से अब तीसरा डिजाइन स्टार्ट होता है, एक फंदा सीधा और पांच फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। एक फंदा सीधा और पांच फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे। देखिए, ये फंदा हमने पीछे से सीधा बुना था, आगे से ये उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और देखिए, पांच लपेटे हुए फंदे थे, उन्हें हम खोलेंगे, एक दो तीन चार पांच। तो पांचों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे और देखिए, ये बैक लूप से हमें इस तरह पहले से पांचवे की तरह ऐसे सिलाई डालना है। बैक लूप से हम पांच फंदा बनाएंगे, एक बनाया, थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए, एक, ये उन अपनी ओर करने से ये दूसरा फंदा हो जाएगा, और फिर इसी में एक बार और सीधा बुनेंगे तो ये तीसरा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे चौथा, और फिर इसी में एक बार और बुनेंगे तो ये पांचवा फंदा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, लपेटे हुए पांच फंदे हैं उन्हें हम खोल लेंगे, पांचों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से हम पांच सीधे फंदे बनाएंगे, एक हुआ, उन अपनी ओर दो तीन, उन अपनी ओर चार, और फिर ये पांच। फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर पांच लपेटे हुए फंदे खोलेंगे और पांचों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से हम पांच से पांच फंदे बनाएंगे, एक दो, देखिए तीन हुआ। फिर उन अपनी ओर करेंगे चार,
और ये 5। तो देखिए 5 से हमने 5 फंदे बना लिए। अब इसे गिरा देंगे, अगला फंदा उल्टा। तो इन्हीं 6 फंदों को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो उन अपनी ओर करेंगे, सेकंड लास्ट को हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को सीधा। तो इस तरह ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर 5 फंदे उल्टा। ये डिजाइन वाले 5 फंदे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। और देखिए ये सीधा फंदा है तो इसे हम सीधा, फिर उन अपनी ओर डिजाइन के 5 फंदे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन अपनी ओर एक फंदा देखिए सीधा दिखाई दे रहा है, इसे सीधा बुनेंगे और 5 डिजाइन वाले फंदे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिजाइन का 4th लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, देखिए अगला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे और ये डिजाइन के 5 फंदे, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन अपनी ओर देखिए एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर और डिजाइन के 5 फंदे, इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर ये एक फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे और ये डिजाइन के 5 फंदे, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह ये 4th लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिजाइन का 5वां लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब 3 फंदे हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। अब देखिए इन 4 फंदों को छोड़ देंगे और फिर से हमारा यहाँ से 6 फंदों का पैटर्न शुरू हो जाएगा। यानी ऊन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे और देखिए 5 फंदे हमें सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। अब देखिए ये जो हमारा सीधा फंदा जा रहा था, ये जो है इसका 3रा फंदा हो जाएगा। देखिए 2 फंदे उल्टे और ये बीच का एक सीधा फंदा, ये इन 5 फंदों को हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। वही 6 फंदों का पैटर्न शुरू हो जाएगा। उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा है, ये सीधा वाला फंदा देखे डिजाइन का बीच वाला फंदा यानी 3रा फंदा, 1, 2 ये 3रा फंदा हो जाएगा। इसे हमें 3रे फंदे को हमें सीधा बुनना है। तो सीधा बुन लिया, अब उन अपनी ओर करेंगे और इन 5 फंदों में देखिए ये 2 फंदे साइड के ये उल्टे उल्टे आ रहे हैं और ये एक फंदा देखिए ये सीधा सीधा जा रहा है। तो इन 5 फंदों में हमें डिजाइन बनाना है, यानी सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए इन 5ों फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 5 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा हो चुका है। अब बचे हैं 5 फंदे, तो एक फंदा सीधा और इन 3 फंदों को हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है।
और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिजाइन का छठा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए तीन फंदे हमने सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना था, तो इन तीन फंदों को हम खोलेंगे और इनसे हम तीन सीधे फंदे बना लेंगे। ये तीन से हमने तीन फंदे बनाए, अब इसे हम गिरा देंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न छह फंदों का पैटर्न शुरू हो जाएगा। एक फंदा उल्टा, दूसरी ओर पांच लपेटे हुए फंदे खोलेंगे और इनसे हम पांच फंदे बना लेंगे। उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर पांच लपेटे हुए फंदे खोलेंगे और इनसे हम पांच फंदे बना लेंगे। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लें। लास्ट में तीन फंदे लपेटे हुए हैं तो इन्हें हम खोलेंगे और इन तीन से हम तीन फंदे ही बनाएंगे। एक सीधा बुना, फिर उन अपनी ओर और फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा, तो तीन से तीन फंदे बन गए। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। डिजाइन का सातवां लाइन और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये डिजाइन के तीन फंदे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर देखिए ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर और ये डिजाइन के पांच फंदे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो चार फंदों को छोड़कर इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर डिजाइन के पांच फंदे उल्टे। उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर डिजाइन के पांच फंदे उल्टे। इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में पांच फंदा बचेगा तो एक ये सीधा वाला फंदा सीधा, डिजाइन के तीन फंदे उल्टे और एज स्टिच, इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का आठवां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तीन ये डिजाइन के फंदे, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर देखिए ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, उसे उल्टा बुनेंगे और ये डिज़ाइन के पांच फंदे सीधा, यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छह फंदा और आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होता है। इन्हीं आठ लाइन को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, इसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों के स्वेटर में भी डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।